हेलो। हाँ मिस मित्र, लक्ष बोल रहा हूँ। क्या हम ये पता कर सकते हैं कि कब, कहाँ, कैसे, किसने वो पैसे निकाले? ओके, आई वेट फॉर योर कॉल। मुझे जल्दी से पता करके बताइए। हे भगवान, हमने क्या कर दिया? और चाचा जी को अभी बताने की कोई जरूरत नहीं है। आई थिंक चेक मिसप्लेस हो गया होगा। और इतना बड़ा कोइंसिडेंस कैसे हो सकता है? कभी सबसे बात करने से पहले मुझे एक बार रागनी से बात क्लियर कर लेनी चाहिए। और रागनी ऐसा क्यों करेगी? अब जो भी है, ये सब पूछते हुए रागनी से बहुत अजीब लगेगा, पर बात तो करनी पड़ेगी। लक्ष्य, ये टेंडर हमें फौरन जल्दी से जल्दी भरना है। बेटा, अभी तक हमारी कंपनी लोहे का व्यापार करती थी, लेकिन अब हम एक मंदिर बनवाने जा रहे हैं जिससे लोगों की श्रद्धा जुड़ी हुई है और हमारी कंपनी के लिए एक बेहतर भविष्य की शुरुआत भी। और लक्ष्य, हम ये चाहते हैं कि तुम आगे चलकर इस प्रोजेक्ट को संभालो। ध्यान रखना। आज के दिन भी कम लक्ष्य, संस्कार, आदर, कम से कम आज के दिन तो ऑफिस का काम छोड़ दो। अब क्यों, आज ऐसा क्या है माँ? हे भगवान, तुम लोग वाकई भूल गए कि आज क्या है? पता नहीं, मुझे ऐसी इंट्यूशन आ रही है कि हमारी बैंड बजने वाली है। ना देखो, अगर सच में तुम तीनों का ना पता है ना कि आज की है, मतलब ये अच्छा ना होगा। मैं बता रही हूँ, भैया, संस्कार भैया, आप तीनों को याद नहीं है ना कि आज क्या है? मैंने कल आप दोनों को हिंट भी दिया था। पता नहीं मेरा दिमाग कहाँ है लकी, लेकिन तुझे तो हर बार याद रहता है, तू कैसे भूल गया? याद दिलाना चाहिए ना मुझे। अरे मैं तो घर में सबसे छोटा हूँ ना, तो अरे आदर्श भैया, आप सबसे बड़े हो, आपको याद रहना चाहिए। अच्छा, दोनों मिलके मेरे नाम का बिल फाड़ रहे हो अभी? वाओ, क्या महान भाई है मेरे। इतना स्पेशल डे आप लोग भूल गए, मैं आप लोग से बात नहीं करूंगी। और ये राखी तुम्हारे लिए छोटू, जब मैं तुम्हें वापस घर लेकर आऊंगी ना, तब मैं ये तुम्हें बांधूंगी। आई प्रॉमिस। तुम्हारी दीदी बहुत जल्द तुम्हें वापस लेकर आएगी और रागिनी की प्रॉब्लम भी सॉर्ट आउट कर दूंगी। फिर हम तीनों मिलकर रक्षाबंधन मनाएंगे। पर मुझे याद था उत्तरा। क्या बात है, बेसन के लड्डू बने हैं। तू एक लड्डू को हाथ में लगाएगा आज। थारे को भी याद ना था कि आज रक्षाबंधन है? और मॉम, कभी कभी हो जाता है। अब चाची, मुझे थोड़ा सा आइडिया था। हाँ, इसमें पेपर पर कुछ टेंडर के पेपर्स रखे हैं, मुझे उनकी फोटोज चाहिए। रागिनी भाभी, आपने भी लक्ष्य भाई को याद नहीं दिलाया ना?
सॉरी उत्तरा, हम उन्हें बताना भूल गए। डोंट वरी, बहुत जल्द तुम और रागिनी भी अपने भाई को राखी बांधोगी। हाँ संस्कार, इसीलिए मैंने उसके लिए अलग से राखी निकाल कर रखी। फटाफट राखी बांधना शुरू कर। रागिनी जी, किचन में ना जी चाय नाश्ता मैंने एकदम तैयार करके रखा है, मैं जाके ले आता हूँ। जी चाची। चलिए सब, चाय और नाश्ता तैयार है। भैया पहले राखी बांधते उसके बाद में चाय नाश्ता। ठीक है, मैं ये फाइल्स तब तक रखता हूँ। नहीं लग रहने दीजिए ना, पहले राखी बंधवा लीजिए बाद में फाइल्स रख दीजिएगा। पर आदमी वो बाद में रख देना वरना बेसन के लड्डू भी नहीं मिले। चल। थैंक यू सौरा, तुमने मुझे बचा लिया, वरना ये जो चुड़ैल है ना गिफ्ट के लिए मेरा सर खा जाती। ले तेरा गिफ्ट। वैसे आपने बिल्कुल सही कहा, आज तो आपकी खैर नहीं थी। थैंक गॉड कि गिफ्ट सौरा भाभी ने चूज किया, वरना आप तो पिछली बार की तरह चॉकलेट देके निपट लेते। अच्छा, पैर नहीं छुएगी? ये क्या कर रही हो तुम रागिनी? सोरा हम बहाने मत दो, क्योंकि मैंने खुद तुम्हें टेंडर के पेपर्स की फोटोज देते हुए देखा। रागिनी चल क्या रहा है? सोरा तुमने फिर से हम पर शक करना शुरू कर दिया ना? सोरा कुछ नहीं चल रहा है। फोन दिखाओ अपना, नहीं दिखाएंगे। रागिनी मैंने तुम्हें फोटोज लेते हुए देखा है, फोन दिखाओ। सौरभ प्लीज, हमारी जिंदगी में दखल देना बंद करो। पासवर्ड ये देखो, देखो देखो ना बस।
कुछ नहीं है स्वरा। खुश, I'm sorry। मैंने तुम पर भरोसा नहीं किया, पर आगे नहीं मुझे सच में लगा कि तुम किसी प्रॉब्लम में हो और मैं शायद तुम्हारी हेल्प कर सकूं। क्योंकि गोद भराई में जो कुछ भी हुआ उसके बाद, और याद है ना, बड़ी माँ से वादा किया था। लेकिन आज तुम्हें मुझसे एक वादा करना होगा, तुम आज के बाद अपनी माँ से कोई बात नहीं छुपाओगे। कि उसके बाद ऐसा कुछ भी नहीं होगा, मुझे बस तुम्हारे लिए टेंशन हो रही थी स्वरा। अगर हम किसी मुसीबत में होते तो तुम्हें बता सकते तो बहुत पहले बता चुके होते, तुम्हें ऐसे जबरदस्ती करनी नहीं पड़ती। इसलिए तुम्हें कह रहे कि कुछ नहीं चल रहा, सब ठीक है, अब तुम जाओ प्लीज। I'm sorry। जवाब देने का सबसे अच्छा तरीका होगा अगर तुम भगवान हमें माफ कर देना। रागिनी, रागिनी क्या है ये, क्यों हाथ उठाया तुमने स्वरा पे? रागिनी तुम्हें हो क्या गया है, तुमने स्वरा पर ऐसे हाथ क्यों उठाया? बस बस बहुत हो गया, हमारा और स्वरा का झगड़ा हुआ था इसलिए हमने उसे मारा। हमेशा स्वरा को लगता है कि हम ही गलत है, हमेशा घर वालों के सामने हमें नीचा दिखाना चाहती है। तो बस इस बार हमसे बर्दाश्त नहीं हुआ और हमारा हाथ उठ, क्या कमी से बात करने की, ऐसे ही बात करते हैं हम। रागिनी ऐसे ही बात करते हैं हम ही गलत है, हमेशा की तरह हम ही गलत है। तो एक काम कीजिए, आप हमसे बात करना ही छोड़ दीजिए। ये क्या कर रही हो तुम, जस्ट स्टॉप इट। रोकिए हमें लक्ष्य, रोकिए हमें, हम बहुत 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 बुरे हैं हम।
आई एम रियली सॉरी, मुझे नहीं पता कि उसे। मैं ठीक हूँ लक्ष्य। स्वरा, छोरी में ना चुड़ैल की आत्मा घुस गई है, ना मैं एकदम सच बोल रही हूँ, ना आप ही लोग सोचो जो छोरी अपनी बहन को अपनी जान से भी ज्यादा प्यार करे वो थप्पड़ कैसे मार सके। ना तांत्रिक को बुलाना पड़ेगा, मैं बोलूं। मॉम प्लीज यार, कभी तो सोच समझ के कुछ बोला करो। के गलत बोला मैंने? शायद इन दोनों के बीच में कुछ हुआ होगा, इसलिए रागिनी ने ऐसा किया। जो भी हुआ हो, लेकिन रागिनी को ऐसा करने का कोई हक नहीं है, उसे जवाब देना होगा। रागिनी, हमें माफ कर दो सारा, हम तुम पर हाथ नहीं उठाना चाहते थे, तुम नहीं जानती हम पर क्या बीत रही है। की टाइमिंग बहुत अच्छी थी रागिनी, पर उस टेंपल टेंडर की फोटोज तुमने नहीं ली, तो वो जल्दी कर दो। जब हमने वो फोटोज ली थी तब सुप्राने में देख लिया था, इसलिए वो फोटोज हमने फोन से हटा दी, लेकिन हम क्या करें। मुझे तुमसे बात करनी है।